ये जनता का पैसा है जिसका कि कोई हिसाब किताब आज के दिन में विरमानी जी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो गोहाना में एक बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, और आज जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्होंने अपने मुंह से भी ये बात स्वीकार कर ली है। यहाँ 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट हुई है, तो सीधे सीधे इसका मतलब 22 करोड़ रुपए का तो उनके पास हिसाब ही नहीं है। ये जनता का पैसा है जिसका कि कोई हिसाब किताब आज के दिन में विरमानी जी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो हमारी उनसे आज अपील है, और पहले अपील कर रहे हैं हम, उसके बाद हम अगर हमें उनका संन्यास लेने के लिए उनके घर तक भी जाना होगा तो हम जाएंगे। हाँ, 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पेमेंट हुई है, तो सीधे सीधे इसका मतलब 22 करोड़ रुपए का तो उनके पास हिसाब ही नहीं है। ये जनता का पैसा है जिसका कि कोई हिसाब किताब आज के दिन में विरमानी जी के पास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं संन्यास ले लूँगा। तो हमारी उनसे आज अपील है, और पहले अपील कर रहे हैं हम, उसके बाद हम अगर हमें उनका संन्यास लेने के लिए उनके घर तक भी जाना होगा तो हम जाएंगे। हम उनसे कहते हैं कि लोगों के पैसे के साथ और गबन करना बंद कीजिए, लोगों के पैसे की लूट बंद कीजिए। आज आपका कच्चा चिट्ठा जो है वो ये खुल करके सामने आ गया है। आपके पास 100 करोड़ का हिसाब है, आपने 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं, जो बाकी के 22 करोड़ रुपए जनता के आपने किसको दिए, वो भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ उसका हिसाब दें, और साथ ही साथ अपने वचन पर, अपनी बात पर अगर रहना उनको आता है तो उनको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेंगे तो 19 तारीख को गोहाना की जनता उनको राजनीति से संन्यास दिला देगी। जगह जगह पर गोहाना में मुझे ये जानकारी, आप लोग भी घूम करके देख सकते हैं कि गोहाना में विकास की क्या स्थिति है। जगह जगह पर ये बताया जाता है कि लाखों रुपए के डस्टबिन यहाँ पर लगे हुए हैं, ये बताया जाता है कि हज़ारों हज़ार रुपए के छोटे छोटे पौधे पेड़ लगाए जाते हैं। इस तरीके का बहुत सारा काम, जो मार्बल है वो 50-60 रुपए का है, वो 200-250 के रेट पर यहाँ पर लगाया गया। इस तरीके की बहुत सारी यहाँ पर इररेगुलरिटीज़ हैं, इस तरीके का बहुत सारा भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी सिर्फ एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं करती है। पंजाब में हमारे एक मंत्री ने 1% भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, हमने मंत्री को निकाल दिया, हमने मंत्री को जेल भेज दिया। आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित कर सकती है कि गोहाना में अगर 100 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए जितना भी फंड आता है उसका एक एक पाई जनता के काम के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसलिए मैं गोहाना की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से कि अगर भ्रष्टाचार को नगर निकाय से पूरी तरह से ख़त्म करना है, नगर परिषद से, तो फिर हमारे उम्मीदवार को वोट दें। और ये सुनिश्चित आम आदमी पार्टी की झाड़ू करेगी कि पूरी तरह से साफ हो नगर परिषद का इलाका, नगर यहाँ काउंसिल का इलाका, और हमारे जो उम्मीदवार हैं अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो एक एक पाई का हिसाब जनता को देंगे। और जब पूरा पैसा जनता का इस्तेमाल होता है तो आपने दिल्ली में देखा, आप पंजाब में देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं जब जनता का पूरा पैसा इस्तेमाल होता है। तो आज हम यही बताने के लिए आए थे कि विरमानी साहब साफ तौर पर झूठ बोल रहे हैं, विरमानी साहब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज उनके मुंह से खुद ये तय हो गया, उन्होंने 100 करोड़ का हिसाब वो गोहाना की जनता को दे सकते हैं। खर्च हुआ 122 करोड़ से ज़्यादा, तो 22 करोड़ का हिसाब अब गोहाना की जनता को लेना है 19 तारीख को अपने वोट के जरिए।